कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। बात करेंगे आज की खबरों में, खास तौर से कृषि बाजार में शुगर यानी चीनी कीमतों के बारे में। आज जानेंगे किस तरह से चीनी के बाजार में अब कारोबार देखा जा सकते हैं, क्या रेट देखा जा रहा है, चीनी के मार्केट में किस तरह उतार चढ़ाव ट्रेंड बाजारों में आज चल रहा है, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। इसलिए हमारे साथ अब खबरों में अंत तक जरूर बने रहिए। तो चीनी के बाजार के बारे में बात करते हैं। कीमतें स्थिर देखी जा रही हैं। उद्योग के अनुसार चालू सीजन में चीनी का उत्पादन अनुमान है, जबकि गर्मी बढ़ने पर चीनी की मांग आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आ रही है। चीनी की कीमतों में आपको हल्की सी स्थिरता देखने को मिल सकती है, लेकिन बाजारों में ओवरऑल अच्छी खासी तेजी ही देखी जा रही है। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई है। गर्मियों का सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से चीनी लगातार डिमांड में है, और डिमांड बढ़ने की वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट का अनुमान नहीं है। अब कुछ मंडियों में, कुछ मिलों में रेट के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ग्रुप में रेट के बारे में बात करते हैं, तो बलरामपुर ग्रुप का रेट मीडियम लेवल का 3705 है। रोजागांव में मीडियम लेवल कीमतें 3715 है, और तुलसीपुर में चीनी के मीडियम लेवल का रेट 3715 रुपए देखा जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी मिलों में हल्की सी तेजी के साथ कारोबार हुआ है। रामदेव मिल में चीनी के मीडियम लेवल का रेट 3630 है, स्मॉल लेवल कीमतें 3560 है। नर्मदा मिल में चीनी के मीडियम लेवल का रेट 3650 है, स्मॉल लेवल कीमतें 3580 है। शक्ति मिल में चीनी के मीडियम लेवल का रेट 3630 रुपए देखा जा रहा है, स्मॉल लेवल कीमतें 3560 रुपए देखी जा रही है। कर्नाटक के बारे में बात करते हैं, तो नंजनगढ़ में चीनी की मीडियम लेवल की कीमतें 3625 है, और स्मॉल लेवल का रेट 3575 रुपए देखा जा रहा है। ओवरऑल मार्केट में आपको ट्रेंड पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार नहीं देखा गया है, काफी अच्छा खासा ट्रेंड है। ओवरऑल मार्केट में आपको एक अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में चीनी के बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हैं, तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।